तो भाई अपनी सभी की सेकंड लाइन दिख गया, और जो सर जुड़े थे हमारे साथ में विंटर सर, तो अभी वो अलग हो जाएंगे, वो जाएंगे तवांग, हम जाएंगे दूसरी साइड में, ये नहीं पता कि साइड लेकिन दूसरी साइड। तो अभी सर को बोलते हैं भाई अलविदा, ताकि यार उनका जो जर्नी है वो भी बढ़िया रहे, हमारा जर्नी भी बढ़िया रहे, और सर के साथ जो मज़ेदार मेमोरीज बनी भाई, मज़ा आ गया, बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत कुछ सीखने को मिला, और भाई जैसे साइकिल का सेटअप है और बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस हुए हमें कि ये चीज़ हमें अप्लाई करने चाहिए। और चलिए भाई अभी चलते हैं, सबको भी जाना, हमें भी जाना है। तो भाई जाते जाते हैं, साइकिल का सेटअप दिखाता हूँ मैं। देखो ये आगे वाला टायर है, दोनों तरफ में ये बैग लगे हुए हैं इस वाले पार्ट पे, और ऊपर एक छोटा बैग है। ये मीटर है जो इसमें आपको स्पीड वगैरह बताता है। यहाँ पे गियर वाला सिस्टम है भाई, 14 गियर है, ये देखो 11, 12, 13, 14। और गियर वाला सिस्टम क्या, अपने में वो बटन रहते, इसमें कुछ नहीं, ये रोटेट वाला है। और एक मिरर है भाई, ये देखो ये पूरा हैंडल है एकदम स्ट्रेट वाला। फिर बोतल के लिए 1, 2, 3, उसके बाद ये देखो चक्का चैन का आगे वाला, और पीछे वाला सिर्फ एक छोटे वाला। और जो इसमें चक्के में गियर वाले होते हैं, देखो अंदर इसके इनबिल्ट हो रखा भाई, और इसमें दो तार दे रखे हैं गियर वाले। और पीछे का सेटअप ये देखो, टायर प्लस 2B सिम हो गया, टायर तो है, और एक ये बड़ा ये बैग है, फिर दो छोटे बैग है, और दो उसके भी छोटे बैग है। और लाइट वगैरह सही रहता, बंजी रोप है, और सीट भाई ये हार्ड वाली, वाह ब्रुक्स, ये पूरा सेटअप कुछ इस तरह का था। और ये स्टैंड कमाल का था, अट्रैक्टिव है भाई, मैं तो कहूँगा कि ऐसा ही सेटअप कराओ, मज़ा आएगा। और हाइब्रिड साइकिल है भाई ये, पतले टायर वाला, क्या बात है, या मैन ब्रो, बाय बाय। तो चलते हैं भाई अपन भी, कैसी विदाई कर रहे हैं भाई, क्योंकि यार मज़ा आ गया यार बंदे के साथ में, वो गए भाई विंटर, डॉक्टर ढांडा और मंगल, अपने भी नाम अलग अलग है भाई। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जय भोले जय शंकर। तो भाई अभी हम आ चुके हैं विंटर भाई को अलविदा करके, और यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें दिखी है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें यूपी में दिखी थी, उसके बाद वेस्ट बंगाल में कहीं नहीं दिखा, और अभी असम में भी नहीं दिखा, यहाँ पर दिख गया है, दिखने को मिला। लेकिन ये बग्गी, ये चीज़ें हमें नहीं दिख रही थी, ये थोड़ा अलग तरीके से बना रखी है, अपने वहाँ से तो बहुत ही अलग है ये। इनका जो ये वाला पार्ट है, ये होता है यार किसने पता नहीं, ये फिर ये काम देगा। ये देखो भाई असम में गन्ने की वो उगा रखी है फसल, जिसको हम गंडा बोलते हैं, ईख, वो देखने को मिली है इधर। पीछे एक दिखा था तो मेरे भाई, हमें यहाँ पे महक आ गई है गुड़ की, जो कि यूपी में हमने खाया था, ये थोड़ा अलग ही होगा गुड़, देखो रहा गुड़ बेच रहे हैं भाई, ताज़ा ताज़ा इधर ही निकाल ले, इधर ही बेच रहे हैं। तो वहीं पर भाई भट्टी लगा रखी है जहाँ से गुड़ बनता है देखो, और इधर हम एक पाव ले रहे हैं अभी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं लेंगे, पाव बहुत है, इसका स्वाद ना से लड्डू खाते ना, बेसन के लड्डू, या आप लोगों ने शादी ब्याह में वो खाया होगा सूखा हलवा, हलवा बोलते जिसको सूखा के वो इतना तरह पेड़ी ब्याह डला बन जाता है, उसको खाते ना, तो सेम वैसे ही स्वाद आया, तो हमने सोचा थोड़ा ले लेते हैं, काम आएगा। ये देखो भाई एकदम ताज़ा ताज़ा है, देख वो दिख रहा ना चिकना आपको, तो ले लिया अपन ने एक पाव, बहुत है, इतना ही वजन बहुत है यार अपने लिए भाई। कितना मस्त जगह आया है रे, एकदम हरा भरा, उधर धानों की वो बो रखी है, खेती कर रखी है, इधर पानी भरा हुआ, उधर पानी भरा हुआ, उससे उधर पानी भरा, उधर धान की खेती कर रखी है, फिर बीच में देखो रोड है, पेड़ उधर ही है देखो उस वाले एरिया पे, उसको देखो ध्यान से, और इधर फिर रोड के बाद में उधर खाली है, उधर पानी भरा हुआ है, इधर खेती, इधर कुछ भाई काम कर रहे हैं पानी में से, वो पेड़ निकाल रहे हैं, अरे अलग ही है भाई, मैं रुक गया क्योंकि अलग ही एक नज़ारा आया था यार, ये इधर हरा भरा पानी, रोड के बीच में से चल रहे दोनों तरफ खाली है, और उस सामने पेड़ है, अलग ही है। और जब हम रुकते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम कर लेते, जैसे पानी वगैरह पीना आया किसी को लगी हो तो कर लेते हैं, देखो दो उधर आगे जा खड़ा है, एक भी सब हम अपना काम कर लेते हैं यार। सच बताओ ना, यहाँ पर जो जगह ये कैंपिंग के लिए आई थी, मैं रुक गया यार यहाँ पर साइकिल खड़ी करने का नहीं था, तो इसलिए यहाँ रुक गए, अगर होता तो मैं वहाँ जाके जगह दिखाता। देखो जिधर वो गाय का बच्चा चर रहा है, वो खा रहे ना घास, उधर वो वाला एरिया एकदम खतरनाक है, प्लेन है, घास आ रखी है भाई, वो देखो जहाँ पे गाय का बच्चा घास खा रहा ना उधर, वो वाले जगह मस्त लगी थी, इधर साइकिल खड़ी करने का कोई जगह नहीं, नहीं तो यार
भाई आज तो नज़ारे पे नज़ारे आ रहे हैं। ये सुखर गेम्स वाले रोड से आ गए थे, कितना बढ़िया यार। ये पेड़ है, बीच में घर बना रखा है और बाउंड्री बांस वाली और बंबू वाली। के सपने हो रहे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, यार ऐसा घर अपना होना चाहिए, ऐसे डिजाइन से बनाना चाहिए, चारों तरफ पेड़ हो। भाई मजा रखा यार, ये पतले पतले पेड़ सुपारी वाले। तो आ चुके भाई अपनी रोटी और साथ में आलू और छोले मटर, आलू मटर। तो भाई यहाँ पर देखो, हमें ना भाई ने एक किताब दिया है, चित्तनुसरण। और भाई जी ने खाना ऑफर किया था, तो थैंक यू भाई जी। आपका नाम? तापस विश्वास। थैंक यू गली। आपका नाम? भाई तो सभी इकट्ठे थे, भाई पीछे से मिलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे रुकवाया कि यहाँ पे आ जाओ खाना खाओ। तो अभी खा लिया, अभी निकलेंगे तो थोड़ी देर में। भाई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो भाई ये है कमिंग रिवर, और इस साइड में जो ये रेत देख रहे हो भाई, कितना देखो कहाँ तक नज़र आ रही है ना, वहीं तक सफ़ेद रेत दिखाई देगा आपको। पार्टी के लिए कितना बढ़िया है, एकदम बीच टाइप का। अरे देखो भाई, एक मिनट रोकते हैं यार, भाई रोकियो पीछे वाले हो। तो भाई इधर में एक मार्केट आया है, बहुत दिन हो गया यार मैंने मार्केट नहीं दिखाया आपको। अब दिखाएंगे मार्केट, ये हाईवे पे ही मिली हमें, इस वाले हाईवे जहाँ पे जा रही है। तो छोटा ही मार्केट है यार, सब्जियाँ मिक्स मार्केट बोले तो, सब्जियाँ कपड़ा बर्तन भांडे नमकीन गोलगप्पे रोड पे ही। देखो कंबल, पूरे बोलने वाले वो भी लगा रखे उन्होंने, वो चूरन वालों पेट का दर्द भागेगा उस टाइप का जो होता ना स्पीकर वाले में रिकॉर्ड करके। इधर है सब्जियाँ चल रही, ज़्यादातर है सब्जियों वाला। हाँ भाई ये है, इधर ज़्यादा मार्केट वाला एरिया। देखो वो टीन वगैरह बना रखे ना छत वाले, इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम। और भाई यहाँ देखो पूरा हरा भरा रखा, एकदम प्लेन कटिंग जो कर रखी है ना भाई, कौन बंदे होंगे जो कटिंग करते होंगे इनकी। और बीच में देखो एकदम जो जगह दिखेगी ना, एकदम पूरा दूर तक दिखेगी, ये देखो बीच की जगह कितना मस्त तरीके से इसकी कटिंग कर रखी है। तो भाई वेस्ट बंगाल में थे, बिहार में थे, टी गार्डन दिखाई दे रहे थे, और एक चीज थी जो हमें देखने के लिए नहीं मिली, जहाँ पे बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पे हाथी है थोड़ा देख के चले, तो भाई हाथी तो नहीं मिले। और देखिए क्या मिला है, हाथी का गोबर। ओ भाई ताजा ताजा तो पता नहीं, लेकिन ये जैसे पेशाब करखाना तो लग रहा कि ये कुछ कुछ घंटे पहले या मिनट पहले वो हो रखा है। अरे क्या मिल गया देखने के लिए भाई, इसमें बदबू आ रही है, जैसे घोड़े गोबर में आते हैं ना, वो लींड कर देता है तो उसमें आते वैसी स्मेल आ रही है इसमें से, एक ही हाथी का होगा ये भाई साहब। तो भाई पहुंच चुके हैं विश्वनाथ चार्ली, और यहाँ पर आए घंटा घर छोटे वाला क्लॉक टावर की जगह है, बढ़िया यार। ये तो कहीं लिखा हो विश्वनाथ, क्या नाम है विश्वनाथ तो ठीक है, लेकिन चार्ली का मतलब समझ नहीं आया यार। चलो निकालते हैं, मतलब पता लगाते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ कुछ हो रखा है, ढोल बज रहा है भाई, आज तो मजा है। तो भाई पहुंच चुके थे गुरुद्वारे, और ये जो जगह थी ये थी विश्वनाथ चराली। मैं इसको ना बार बार चार्ली चार्ली बोल रहा था, तो ये चराली है, और गुरुद्वारे में भी रुकने का जगह हो गया था। और यहाँ के जो क्या होते हैं भाई, वो मैनेजर होते हैं ना जो यहाँ पे, ज्ञानी जी बोलते हैं जिनको, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो हमें ही बोल दिया गया कि आप रुक जाओ और यहाँ पे लॉक वगैरह हम ही करेंगे। तो अपना भाई अभी वीडियो सेटअप खुल चुका है एडिटिंग का, और देखो अभी जगह है क्योंकि वॉशरूम से एक कनेक्शन ले रखा भाई, ये वॉशरूम से, क्योंकि बोर्ड तो है लेकिन लगाने वाला वो नहीं है, और ये गैलरी है तो इसी में अपना सेटअप करके देखो यहाँ एडिटिंग करेंगे। समझ जा भाई, कुछ भी करना पड़ता है क्योंकि एडिटिंग करना पड़ता है, और जो लैपटॉप लेके आते उसको तो सब लाइट ही देखनी पड़ती है। हम सोच रहे हैं कि फोन से एडिटिंग करेंगे, फोन से यार पता नहीं
कैसे होगी, तो देखेंगे इसलो। अभी इसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे, सो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।